और जनपद पौड़ी के पैठाणी थाना क्षेत्र में मां कालिका मंदिर में प्रवेश प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रसिद्ध मुखाल मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर मंदिर समिति और जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि सुबह से ही हजारों की संख्या में भक्तगण मां मुखाल कालिका के दर्शन करने के लिए मंदिर प्रांगण में पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी प्रसिद्ध बुखाल मेले में मां कालिका के दर्शन करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने माता के दर्शन किए। और माँ भगवती के सामने जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे बलि प्रथा थी, लेकिन सने सने जो यहाँ के हमारे भक्तगण हैं उनके हृदय परिवर्तन हुए, सात्विक पूजा यहाँ पे होने लगी। और काफ़ी लोगों का प्रयास भी था ये कि यहाँ पे मतलब जो बलि प्रथा है उसके थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो सात्विक में यहाँ पे पूजा होने लगी। बहुत दूर दूर से यहाँ माँ भगवती के दर्शनों के लिए लोग आते हैं और माँ भगवती उनके मनोकामनाओं को पूर्ण करती है निश्चित ही, इसलिए लोगों का इतना आप देख रहे हैं कि बहुत भव्य तरीके से यहाँ पे लोग आ रहे हैं और ये मेला संपन्न हो रहा है। और जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इस क्षेत्र के, यहाँ पे हर साल भूखाल का मेला यहाँ के स्थानीय लोग बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, हजारों लोग इस मेले में शरीक होते हैं, यहाँ पे देव डोलिया आते हैं। हमने आधा किलोमीटर की पार्किंग की व्यवस्था तो इस साल कर दिया, लेकिन अगले साल हम 1 किलोमीटर के यहाँ पे पार्किंग बनाने जा रहे हैं, ताकि 1,000 गाड़ियों की यहाँ पे पूरी व्यवस्था हो जाए। और माँ भगवती की कृपा ऐसी है कि अब यहाँ पे एक नया भव्य मंदिर बनने जा रहे हैं, उसका यहाँ पे जो है हमने जनता के बीच में इस मंदिर को दिखाया है और अगले साल से मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। सबकी कृपा रहेगी तो एक भव्य मंदिर भूखाल में